वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज द क्वेश्चंस और यू कैन से एमसीक्यूज फ्रॉम द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसपी जॉब्स, देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर सिलेक्शन। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन इज, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो ऑन अ वर्कशीट कार्ड। तो फ्रेंड्स, हेयर आंसर इज सेल। नेक्स्ट इज, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरीज। हेयर आंसर इज कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। आंसर इज काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए फीचर दैट डिस्प्लेज ओनली द डाटा, ए फीचर्स दैट डिस्प्लेज ओनली द डाटा इन कॉलम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्रिटेरिया, उसे कहते हैं फिल्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एंड प्रेपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग। आंसर इज एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट will you use to compare performance of two employees in the year 2016? Here answer is line chart. What type of chart will you use to compare performance of two employees in the year 2016? Answer is line chart. Next question is, which one is not a function in MS Excel? Answer is AVG. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंक्शन इन एम एस एक्सेल मस्ट बिगिन विद। आंसर इज एन इक्वल साइन। फंक्शंस इन एम एस एक्सेल मस्ट बिगिन विद। आंसर इज एन इक्वल साइन। नेक्स्ट इज, विच फंक्शन इन एक्सेल चेक्स वेदर ए कंडीशन इज ट्रू आर नॉट। आंसर इज एफ इफ। विच फंक्शन Excel checks whether a condition is true or not. Answer is if. Next is, in Excel columns are labeled as. Answer is A, B, C, etc. In Excel columns are labeled as A, B, C, etc. Next is, the greater than sign is an example of dash operator. Answer is logical. The greater than sign is an example of logical operator. Next is, what type of chart is useful for showing trends or chances over time? What type of chart is useful for showing trends or chances of time? Answer is line chart. What type of chart is useful for showing trends or changes over time? Yahan pe sorry, chances nahi hai, changes hai. What type of chart is useful for showing trends or changes over time? Answer is line chart. जो line chart है is useful for showing trends or changes over time. Next is, the process of arranging the items of a column in some sequence or order is known as, उसे कहते हैं sorting. Next is, the dash feature of MS Excel quickly complete a series of data, उसे कहते हैं द ऑटोफिल फीचर ऑफ एम एस एक्सेल। द ऑटोफिल फीचर ऑफ एम एस एक्सेल क्विकली कंप्लीट अ सीरीज ऑफ डाटा। नेक्स्ट इज, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग पार्ट्स ऑफ ए होल। आंसर इज पाई चार्ट। पाई चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग पार्ट्स ऑफ ए होल। नेक्स्ट इज, इन एक्सेल rows are labeled as 1, 2, 3, 4 etc. is the answer. In Excel rows are labeled as 1, 2, 3, 4 etc. is the right answer. Next question is, how will you graphically represent expenditure in different departments? So yahan pe jo right answer hai wo rahega pie chart. Next is, what type of chart is good for single series of data? Answer is pie chart. Next question is, the basic unit of worksheet into which you enter data in Excel is called, उसे कहते हैं cell.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल. आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सेल विच वन डिनोटेड ए रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5. आंसर इज B1 इज टू E5. इन एक्सेल विच वन डिनोटेड ए रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5. आंसर इज B1 इज टू E5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड ए या फिर एन. आंसर इज वर्कशीट. एन एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड ए वर्क बुक. उसे क्या कहते हैं? वर्क बुक कहते हैं उसको. एन एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड ए वर्क बुक इज द राइट आंसर. एक्सेल जो फाइल है उसे जनरली हम क्या कहते हैं? वर्क बुक कहते हैं. नेक्स्ट इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल. आंसर इज डाटा बेस. इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज ए सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल. आंसर इज डाटा बेस. नेक्स्ट इज वट टाइप ऑफ चार्ट विल यू यूज टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स ऑफ टू प्रोडक्ट्स. तो हेयर आंसर इज कॉलम चार्ट. वट टाइप ऑफ चार्ट विल यू यूज टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स ऑफ टू प्रोडक्ट्स. हेयर आंसर इज अगर दो प्रोडक्ट की सेल के बारे में हमको कंपैरिजन करना है तो कॉलम चार्ट हम जो है वो यूज़ करते हैं. सो आंसर इज कॉलम चार्ट. सो फ्रेंड्स टुडे वी हैव कंप्लीटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोज़. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर.